आज के इस लेक्चर में हम भारत की विदेश नीति को पढ़ना शुरू करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोई भी देश आइसोलेशन में नहीं रह सकता, उसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या अपने हितों की सुरक्षा के लिए दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने पड़ते हैं, और ये संबंध किस तरीके से बनाए जाएं, कौन से साधन अपनाए जाएं, क्या तरीके अपनाए जाएं, इन सब के लिए हर एक देश अपनी एक नीति निर्धारित करता है, जिसे उस देश की विदेश नीति के रूप में जाना जाता है। हमारे देश में भी 1947 के बाद इसी तरह की एक विदेश नीति का निर्माण किया गया। 1947 से पहले हम अंग्रेज़ों के अधीन थे और विदेशी मामलों के संबंध में सभी निर्णय ब्रिटिश सरकार द्वारा लिए जाते थे, चाहे यूएनओ का सदस्य बनना हो, विश्व युद्ध में भाग लेना हो, वर्षाए की संधि पर हस्ताक्षर करने हो, या किसी देश में सेना भेजनी हो, ये सभी निर्णय ब्रिटिश सरकार द्वारा ही लिए जाते थे। लेकिन आज़ादी के बाद ये निर्णय करने का अधिकार भारतीयों के पास आया, और आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति के बेसिक सिद्धांत प्रिंसिपल्स निर्धारित किए कि किन आधारों पर हमारी विदेश नीति चलेगी। तकरीबन वही सिद्धांत आज भी हमारी सरकारों द्वारा फॉलो किए जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनमें कोई बदलाव ना आया हो, क्योंकि किसी भी देश की विदेश नीति में कंटिन्यूटी और चेंज दोनों साथ साथ चलते हैं। कुछ बातें सरकार बदलने के बाद भी स्थिर रहती है, वही बनी रहती हैं, और कुछ बातों में परिस्थितियों के अनुसार या सरकार के अनुसार बदलाव आते रहते हैं। तो हमारी विदेश नीति में क्या क्या घटनाएं घटी, कैसे कैसे डेवलप हुई, किस किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में क्या क्या उसमें अहम घटनाएं घटी अपनी फॉरेन पॉलिसी में, ये सब बातें तो हम एक अलग लेक्चर में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे, या फिर अलग अलग देशों के साथ संबंधों का अध्ययन करेंगे उसमें सारी बातें डिस्कस होंगी। तो आज तो हम सिर्फ हमारी विदेश नीति के उद्देश्यों और सिद्धांतों, उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स, हम विदेश नीति के माध्यम से क्या प्राप्त करना चाहते हैं, और प्रिंसिपल्स, हम अपने उद्देश्यों को कौन से माध्यम से या क्या हमारे सिद्धांत होंगे उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, तो वो प्रिंसिपल्स फॉरेन पॉलिसी के हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हमारी विदेश नीति के रहे हैं। सबसे पहले प्रिजर्वेशन ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। कोई भी विदेश नीति है, किसी भी देश की विदेश नीति है, उसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सुप्रीम गोल या ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है उसकी सीमाओं की रक्षा करना। यदि कोई देश अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम नहीं है तो फिर उस सरकार को रहने का भी अधिकार नहीं होता, और उस विदेश नीति को बिल्कुल असफल माना जाता है। तो सभी देशों की तरह हमारी देश की भी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव है वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी कि उसकी सीमाओं की या जो भूमि उसके अधीन है, जिस पर उस देश की प्रभुसत्ता है, उसको बनाए रखना और दुश्मन देशों से उसकी रक्षा करना। तो ये एक सर्वोच्च ऑब्जेक्टिव है। फिर दूसरा है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, यानी कि स्वतंत्र विदेश नीति जो किसी के दबाव में किसी के अधीन काम ना करे, ये इस चीज़ पर फोकस इसलिए किया गया है ऑब्जेक्टिव्स में हमारी विदेश नीति के संदर्भ में, कि
जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उस वक्त दुनिया में कोल्ड वार शुरू हो चुका था, शीत युद्ध शुरू हो चुका था, दुनिया दो ब्लॉक्स में डिवाइड होना शुरू हो चुकी थी। सोवियत ब्लॉक को लीड कर रहा था भूतपूर्व यूएसएसआर सोवियत संघ, और वेस्टर्न ब्लॉक को लीड कर रहा था यूएसए। तो दोनों चाहते थे कि भारत उनके ब्लॉक में शामिल हो, और भारत को यह भय था कि यदि उसने किसी ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया तो निश्चित रूप से उसकी विदेश नीति फिर स्वतंत्र नहीं रहेगी, वो उस ब्लॉक के नियमों के अनुसार या ब्लॉक के दबाव में विदेश नीति का निर्धारण करना पड़ेगा। यदि हम मान लो यदि हम सोवियत ब्लॉक को ज्वाइन कर लेते तो हम अमेरिका के साथ अपने संबंध अपने हितों को देखते हुए डेवलप नहीं कर सकते थे, यही बात अमेरिका के संदर्भ में थी। तो पंडित नेहरू चाहते थे हमें इतने सालों बाद इतने लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी मिली है और यह आज़ादी अधूरी रह जाएगी यदि हम विदेशी मामलों में स्वतंत्र नहीं रहे या अपने हितों को देखते हुए ही हमने यदि अपनी विदेश नीति का निर्धारण नहीं किया। तो उस दिन भी ऑब्जेक्टिव था, आज भी इस बात पर हर एक सरकार पूरा ध्यान रखती है कि विदेश नीति हमारी सिर्फ हमारे राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए बने, किसी दूसरे देश के दबाव में या प्रभाव में आकर विदेश नीति का निर्धारण न हो। हालांकि इन्फ्लुएंस रहता है, जब हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है, किसी भी देश की विदेश नीति कैसे निर्धारित होती है, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का और दूसरे देशों का दबाव रहता है, लेकिन वो हम रेशनली उसको स्वीकार करते हैं, यानी कि ये नियम मानते हैं, हमारे पास अब अल्टरनेट नहीं होता, तब की मजबूरी वो होती है। तीसरा है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, यानी कि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देंगे। ये हमारे देश की हिस्टोरिकल कल्चर भी रही है कि हमने कभी भी युद्धों को बढ़ावा नहीं दिया। हमारे सारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं या हमारी जो संस्कृति है वो हमेशा इसी बात पर जोर देती है कि शांतिपूर्ण तरीके से विवादों को निपटाए और शांतिपूर्ण तरीके से एक शांतिपूर्ण वातावरण हो। तो भारत ने उसी नीति को अपनाया है, सभी सरकारों ने, चाहे कोरिया का संकट हो या वियतनाम की बात हो, भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शांति को या विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का ही प्रयास किया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि भारत कभी युद्ध नहीं करता। यदि बात टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की आती है या भारत के राष्ट्रीय हितों की आती है तो वो सर्वोच्च हो जाता है। इसलिए भारत ने चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ युद्ध भी लड़ चुका है, लेकिन जहाँ तक संभव होता है भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति को ही प्रमोट करता है, और इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का मंच हो, चाहे नाम के हो, चाहे सार्क संगठन हो, चाहे यूएनओ हो, चाहे किसी और संगठन के साथ या देशों के साथ बात बैठे करता, भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है क्योंकि ये उसकी विदेश नीति के एक उद्देश्यों में शामिल है। फिर चौथा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, आर्थिक विकास। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त हम आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए थे, हमारे देश में इतना अनाज नहीं था कि हम अपनी जनता की का पेट भर सके। उसके लिए भी हमें 80% से ज़्यादा आबादी खेती में लगे होने के बावजूद भी हम इतना अनाज पैदा नहीं कर पाते थे कि देश की भोजन की आवश्यकताओं को हम पूरा कर सके, उसके लिए भी हमें आयात करना पड़ता था। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत आवश्यक था, तकनीकी विकास, हमें दूसरे देशों से तकनीकी सहायता और आर्थिक मदद दोनों की आवश्यकता थी ताकि हम अपनी कृषि को उन्नत बना सकें, आधुनिक औद्योगिक धंधे, आधुनिक औद्योगिक इकाइयां लगा सकें, और इसीलिए बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की गई थी, पंचवर्षीय योजना बनाकर बड़े बड़े बांध बनाए गए थे ताकि सिंचाई की जा सके या बाढ़ को रोका जा सके। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य था, विदेश नीति के माध्यम से दूसरे देशों के संबंधों के माध्यम से हमें उनसे तकनीक लेना था, उनसे आर्थिक मदद लेना था। पांचवा था प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन एब्रॉड,
किसी भी देश के निवासी होते हो, दूसरे देशों में जाकर भी काम के लिए या पढ़ने के लिए या किसी और उद्देश्य से दूसरे देशों में आना जाना लगा रहता है, तो भारत के भी जो मूल निवासी हैं वो दुनिया के लगभग सभी देशों में फैले हुए हैं, और कई देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो हर एक देश के साथ ऐसा ही होता है, उन सभी के निवासी जाते हैं, और ये उस देश का ही, उस देश की सरकार का ही एक कर्तव्य होता है कि वो वहाँ पर भी, दूसरे देशों में भी अपने देश के नागरिकों की रक्षा करें। जो एम्बेसी होती है उसका ये जिम्मेवारी होती है कि अगर कोई उसका, उनके देश का नागरिक वहाँ कोई शिकायत लेकर आए तो उसका समाधान वहाँ की सरकार से करवाए। तो हमारी विदेश नीति का ये उद्देश्य रहा है कि जो भी इंडियन ओरिजिन के लोग एब्रोड दूसरे जगह पे गए हुए हैं उनके हितों की भी रक्षा करना। और अब नरेंद्र मोदी सरकार ने तो इस पर और ज़्यादा फोकस किया है, उनसे और ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश की है, क्योंकि उनका हमारी इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है और बहुत सारा पैसा कमा कर हमारे देश में भेजते हैं या कई बड़े बड़े पदों पर हैं जिनके माध्यम से हम उन देशों के साथ अपने संबंध सुधार सकते हैं या इन्वेस्टमेंट अपने देश में करवा सकते हैं। फिर था 6 नंबर पे एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। भारत ने हमेशा नस्लीय भेदभाव को भी मिटाने का प्रयास किया है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान हम नस्लवाद के खुद शिकार थे, अंग्रेज़ हमारे साथ नस्लीय भेदभाव करते थे। गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहे, वहाँ भारतीयों के साथ और गांधी जी के साथ भी नस्लीय भेदभाव हुआ था। तो आज़ादी से पहले ही कांग्रेस की यह धारणा बन चुकी थी कि हम अपनी विदेश नीति में नस्लीय भेदभाव का विरोध करेंगे। अब जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बात को बोलने का मौका मिलता है तो भारत दुनिया में कहीं पर भी रंग भेद का पालन किया जाता है उसका विरोध करता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। साउथ अफ्रीका में जो नेल्सन मंडेला के खिलाफ वहाँ की गोरी सरकार ने भेदभाव किया, जब तक नेल्सन मंडेला वहाँ का राष्ट्रपति नहीं बनाया, यानी कि वहाँ पर भेदभाव खत्म नहीं, भारत हर मंच पर साउथ अफ्रीका के मुद्दे को उठाता था। तो नस्लीय भेदभाव भी एक विदेश नीति का हिस्सा रहा है। चेक द इंटरफेरेंस ऑफ अदर पावर्स इन इंडियन नेबरहुड। भारत या कोई भी शक्तिशाली देश, जो प्रभावशाली देश, और नहीं चाहता कि उसके पड़ोस में दूसरे देशों का इंटरफेयर हो, दूसरी ताकतवर देश या जिन देशों के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं हैं उनका इंटरफेयर हो, क्योंकि इससे उसको, उसकी सुरक्षा को एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाता है। यही वजह थी कि क्यूबा मिसाइल संकट में अमेरिका ने सोवियत संघ को क्यूबा में मिसाइलें नहीं लगाने दी, क्योंकि इससे उसको खतरा था। यही वजह थी कि 1985 में भारत ने श्रीलंका में अपनी सेनाएं भेजी, अगर भारत नहीं भेजता तो अमेरिका या चाइना फिर उसके लिए तैयार थे। तो कोशिश करता भारत, खासकर पाकिस्तान और चीन के साथ तो हमारे संबंध खराब हैं, वो तो बिल्कुल विपरीत करते हैं, लेकिन जैसे नेपाल हुआ, भूटान हुआ, बांग्लादेश हुआ या श्रीलंका, इन देशों में कोशिश करता है भारतीय उद्देश्य रहे कि इनमें दूसरे ऐसी शक्तियों का इंटरफेयर कम से कम ना हो जिनका भारत से अच्छे संबंध नहीं है या जिनसे भारत को खतरा हो सकता है, जो उस ज़मीन का प्रयोग भारत के खिलाफ कर सकते हैं। जैसे अगर चाइना श्रीलंका के साथ बहुत नज़दीकी संबंध, तो वहाँ पर अपने सैनिक अड्डे बना सकता है जो भारत के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। डेवलप कोऑर्डिनेट रिलेशन विद अदर नेशंस, यानी कि दूसरे देशों के साथ जो मधुर संबंध बनाना, ये तो विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, बनाई इसलिए जाती है कि दूसरे देशों के साथ इस तरह से अच्छे संबंध डेवलप करो ताकि हम उनसे अपनी बातें ज़्यादा से ज़्यादा मनवा सकें या अपने हितों की रक्षा हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। और इसमें भी प्रायोरिटी जो रहती है वो नेबरहुड की रहती है, यानी कि कम से कम पड़ोसी देशों के साथ तो बहुत अच्छे संबंध, और सुपर पावर्स के साथ जो शक्तिशाली देश है। तो भारत ने विदेश नीति में ये महत्वपूर्ण लक्ष्यों में शामिल है कि जिस तरह भी हो सके अपने अच्छे संबंध डेवलप किए जाए। तो ये तो थे ऑब्जेक्टिव्स। अब देखते हैं कि इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स निर्धारित किए गए हैं।
इनमें सबसे पहला आता है नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता, यानी कि भारत ने जब दुनिया दो ब्लॉक्स में बट गई थी तो उसमें ये डिसाइड किया कि हम किसी भी ब्लॉक्स में शामिल नहीं होंगे बल्कि हम अलग रहेंगे, तो ये नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाएगी। ये इसलिए किया गया था ताकि हम दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध डेवलप कर सकें, क्योंकि हमें आर्थिक और तकनीकी मदद चाहिए थी। हम चाहते थे हमें रूस यानी कि सोवियत ब्लॉक के जो देश हैं उनसे भी मदद मिलती रहे और वेस्टर्न ब्लॉक के जो देश हैं उनसे भी मदद मिलती रहे। हालांकि कुछ लोग कहते हैं इस वजह से हमें हमारे संबंध किसी से भी अच्छे नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी ये स्वतंत्र विदेश नीति के लिए इसको आवश्यक माना गया था और शीत युद्ध खत्म होने के बाद भी आज भी हम इसी नीति को फॉलो करते हैं। दूसरा था एंटी कॉलोनियलिज्म, खुद हम उपनिवेशवाद के शिकार थे। दुनिया में हमारी हिस्ट्री बताती है कि भारतीय शासकों ने, चाहे हम सम्राट अशोक या चंद्रगुप्त से लेकर मुगलों तक देख लें, किसी भी शासक ने किसी दूसरे देश को या दूसरे एरिया को गुलाम बनाने की कोशिश नहीं की। भारतीय शासक यूरोप में, ना एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में कहीं पर भी हमला करने नहीं गए कि उन पर अपना अधिकार जमाने के लिए। और फिर हम खुद उपनिवेशवाद के शिकार थे, आज़ादी की लंबी लड़ाई लड़ी थी, तो हम हमारी नीति में बन गए, प्रिंसिपल्स बन गए कि हम उपनिवेशवाद दुनिया में कहीं भी होगा हम उसका विरोध करेंगे। उपनिवेशवाद या इंपीरियलिज्म दोनों चीज़ें मिलती जुलती हैं, साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद, इसका हम विरोध करेंगे। तो भारत ने आज़ादी के बाद भी बहुत सारे देश हमारे बाद स्वतंत्र हुए थे, कुछ 1950 के दशक में, कुछ 60 के दशक में भी, तो जहाँ पर भी उपनिवेश था उसका भारत ने वार्तालाप के दौरान या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसका हमेशा विरोध किया और उस देश की स्वतंत्रता का समर्थन किया था। अपोजिशन ऑफ रेशियलिज्म, ये हमने बता दिया था कि नस्लवाद के खिलाफ था क्योंकि हम नस्लवाद के शिकार थे। तो भारत ने कहा नस्लवाद हम किसी भी देश में बर्दाश्त नहीं करेंगे या उनको मान्यता नहीं देंगे, चाहे हमारे उस देश के साथ कैसे भी संबंध है, हम नस्लवाद का हर हालत में विरोध करेंगे। फेथ इन पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड कोऑपरेशन, भारत का विश्वास है कि सभी के साथ सामंजस्य बनाया जाए, सहयोग स्थापित किया जाए या मिलजुल कर रहा जाए। भारत ने आधिपत्य जमाने का कभी प्रयास नहीं किया, डराने धमकाने का कभी प्रयास नहीं किया, धमकी की नीति का प्रयोग नहीं किया, बल्कि भारत ने सहयोग की नीति का, वो भी शांतिपूर्ण सहयोग की नीति का पालन करता है और इसी के माध्यम से अपने हितों को पूरा करना चाहता है, दूसरे देशों के साथ सहयोग स्थापित करके, उनके साथ विवाद करके नहीं या डरा धमका कर नहीं। इंटीमेट रिलेशन विद कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ एक ऐसा संगठन था जो उन देशों ने मिलकर बनाया था जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे, यानी कि ब्रिटेन के उपनिवेश थे। भारत ने उन सभी देशों के साथ, ये नहीं था कि आज़ादी के बाद हम ब्रिटेन के दुश्मन हो गए, बल्कि आज़ादी के बाद भी उन्हें ब्रिटेन से व्यापारिक, राजनीतिक और सैनिक संबंध यानी कि मिलिट्री रिलेशन स्थापित करने शुरू किए। उनसे हमारा व्यापार होता था, लेना देना होता था, उनसे हम आर्थिक मदद भी मांगते थे क्योंकि वो पहले से ही डेवलप कंट्री था। और इसके अलावा और भी जो कॉमनवेल्थ के देश हैं उनके साथ इंटीमेट रिलेशन बनाना भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों में शामिल रहा है। फेथ इन यूनाइटेड नेशन, भारत की विदेश नीति में ये शामिल है सिद्धांतों में कि हम यूएनओ को मानते हैं, यूएनओ को मानते हैं और चाहते एक मजबूत यूएनओ, एक संयुक्त राष्ट्र संघ को एक मजबूत संगठन के रूप में देखना चाहते हैं जो कि विवादों का प्रभावशाली तरीके से उनका समाधान कर सके। यूएनओ की कार्रवाइयों में, चाहे सैनिक भेजने हो कहीं पर, चाहे उसमें डोनेट करना हो या उसके विभिन्न अंगों में, सुरक्षा परिषद में, आर्थिक सामाजिक विभिन्न संगठनों में भाग लेना हो, भारत सभी का सदस्य रहा और सभी में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। और भारत हमेशा इस बात का समर्थन करता है कि यूएनओ को जिस स्थिति में उसको और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए और यूएनओ के जो भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का भी पालन भारत करता रहा है, ये उसके प्रिंसिपल्स में शामिल है। प्रमोशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन,
भारत चाहता अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इस तरह क्षेत्रीय स्तर पर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी होने चाहिए। उनके माध्यम से अपने हितों को पूरा करना चाहिए या विवादों का समाधान अच्छी तरह से या शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। जिस तरह भारत सार्क संगठन, साउथ एशिया का जो संगठन है उसका सदस्य बना है, आसियान के साथ भी भारत वार्तालाप करता है, शिखर सम्मेलन करता है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी शिखर सम्मेलन किए जाते हैं, और इसके अलावा जो ओपेक है या अफ्रीकन यूनियन है, भारत सभी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ या उनके माध्यम से अपने राष्ट्रीय हितों को या अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करता है। अब इसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या प्रिंसिपल्स अपनाए जाते हैं। एक सपोर्ट फॉर डिसआर्मामेंट, भारत हमेशा निशस्त्रीकरण का समर्थक रहा है, शस्त्र नियंत्रण का समर्थक रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि भारत हथियार नहीं बनाता, क्योंकि सबसे पहला लक्ष्य हमने बताया था टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और जैसा कि रियलिस्ट थ्योरिस्ट कहते हैं कि ये सेल्फ हेल्प सिस्टम है, एनार्किकल सिस्टम है, यहाँ पर अपनी रक्षा खुद करनी पड़ती है, कोई दूसरे कोई ऐसी सुप्रीम अथॉरिटी कोई संगठन नहीं है जो आपकी रक्षा कर सके। यदि आज चीन हमारे ऊपर हमला करता है तो कोई संगठन यूएनओ में नहीं बचा सकता, अमेरिका में बचाने नहीं आएगा, कोई बचाने नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारी जो मिलिट्री है वही हमारी रक्षा कर सकते हैं, जो हमारी खुद की ताकत है। तो ये नहीं है कि भारत हथियार नहीं बनाता, भारत अपनी हितों की रक्षा के लिए, अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए जो ज़रूरी होता है वो हथियार करता है, लेकिन इसके साथ साथ डिसआर्मामेंट का भी समर्थन करता है। यदि दूसरे देश अपने हथियार नष्ट करने को तैयार होते तो भारत भी तैयार रहेगा, अपने सारे हथियार नष्ट कर दे यदि दूसरे देश तैयार होंगे तो। कई बायोलॉजिकल केमिकल्स वेपन्स होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, भारत इन सभी का विरोध करता है। हालाँकि अपने सुरक्षा के लिए न्यूक्लियर वेपन्स खुद भारत ने भी बनाए हैं 1998 के बाद, लेकिन एक सैद्धांतिक रूप से भारत इसका समर्थक है। भाई अगर दूसरे देश संधि करते हैं, कोई समझौता करते हैं, हम इन हथियारों नष्ट करेंगे, तो भारत भी हमेशा उस वार्तालाप में बढ़ चढ़कर भाग लेता है या उसके लिए तैयार रहता है, यदि वो भेदभावपूर्ण ना हो तो। जैसे CTBT और NPT, ये भी डिसआर्मामेंट की ट्रीटी थी, लेकिन भारत ने इनका विरोध किया क्योंकि ये भेदभावपूर्ण थी। अगर सबके लिए समान होता तो भारत भी उसका समर्थन करता है। पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी और मिनिमम डिटेंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इन दोनों को एक साथ देखते हैं। एक साथ इसलिए कि 1998 से पहले हमारी नीति ये थी और 1998 के बाद ये हो गई थी। न्यूक्लियर पावर का यूज दो तरीके से किया जा सकता है, एक उससे एनर्जी बनाई जा सकती है, एक उससे वेपन्स बनाए जा सकते हैं। तो भारत कहता है कि इसका यूज हमें सिर्फ एनर्जी बनाने के लिए करना चाहिए, वेपन्स बनाने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही घातक हथियार है। इनका एक उदाहरण विश्व देख चुका है, जब 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए थे, तो इसकी घातकता को देखते हुए, इसकी विनाशकारी शक्ति को देखते हुए भारत विरोध करता रहा था। लेकिन क्योंकि भारत के पड़ोस में चीन परमाणु हथियार बना चुका है, जिसके भारत के साथ संबंध सीमा विवाद को लेकर तनावपूर्ण रहते हैं, और पाकिस्तान पर भी ये पूरा शक था कि चीन की मदद से वो कभी भी परमाणु हथियार बना सकता है, तो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किए और ये डिसाइड किया कि हम परमाणु हथियार बनाएंगे। उससे पहले नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कह चुके थे कि भारत परमाणु हथियार कभी भी नहीं बनाएगा, उसने आगे तक की गारंटी ली थी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार या नए प्रधानमंत्री के काल में विदेश नीति में बदलाव हो सकते हैं, और ये बदलाव हुआ भी। उसके बाद भारत ने कहा कि हम सिर्फ मिनिमम डिटेंस, यानी कि हथियार तो बनाएंगे लेकिन इतने नहीं दुनिया को नष्ट कर दे, बल्कि जितने हमारे देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक होंगे। हम किसी ऐसे देश के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। और तीसरा,
हम पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये न्यूक्लियर पॉलिसी भी डिसाइड की थी भारत ने जब ये परीक्षण किए थे। एक है फिर पंचशील एंड पीसफुल कोऑपरेशन। ये पंचशील का कॉन्सेप्ट जब आया था, जब भारत के चीन के साथ कुछ ज़्यादा आदर्शवादी हो गया था नेहरू और चीन के साथ कुछ ज़्यादा घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता था, जबकि चीन की ऐसी मंशा नहीं थी। उसमें कहा गया था कि हम ऐसे पंचशील सिद्धांत बनाए गए कि हम एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, विवादों को शांतिपूर्ण सुलझाएंगे, हमला नहीं करेंगे एक दूसरे पर। तो इस तरह के सिद्धांत बनाए गए थे, हालांकि ये सिर्फ चीन पर लागू नहीं थे, ये दुनिया के सभी देशों के साथ जो हमारी विदेश नीति है उस पर लागू किए जाते हैं। आज भी हम इसी सिद्धांत को मानते हैं, हालांकि परिस्थितियों के अनुसार कुछ चेंज हो सकता है, घटना यदि विपरीत हो जाए तो कुछ बदलाव हो सकता है। जैसे कि 1971 में बांग्लादेश का जो संकट आया तो उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था शरणार्थियों की समस्या को देखते हुए, या श्रीलंका एक कहने पर लिट्टे की समस्या को सुलझाने के लिए श्रीलंका में भी भारत ने अपनी सेनाएं भेजी थी। एक है फिर फॉरेन इकोनॉमिक एड, विदेशी आर्थिक सहायता। हमें मैंने पहले भी बताया कि हम आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े थे। आर्थिक रूप से भारत आज भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही शामिल होता है। अपने देश के विकास के लिए, तकनीकी विकास के लिए इसको विदेशी आर्थिक मदद की आवश्यकता पड़ती रहती है, और ये भी विदेश नीति के लक्ष्यों में शामिल है, सिद्धांतों में भी शामिल है कि हम दूसरे देशों से आर्थिक मदद लें ताकि अपने देश का आर्थिक विकास हम कर सकें। स्पेशल एम्फेसाइज ऑन मीन्स, हमारे शास्त्रों में और गांधी जी के सिद्धांतों में ये बात रही है कि हम साधनों के साथ साथ, न साध्यों के साथ साथ साधनों की पवित्रता पर भी ध्यान दें। ये मैकियावेली आइडियाज़ के बिल्कुल विपरीत है। मैकियावेली ने यह कहा था कि साधन कैसे भी हों, साध्य को यदि वो प्राप्त कर लेते हैं तो सब कुछ जायज है, चाहे हम किसी भी तरीके से अपने साध्य को प्राप्त करें। लेकिन भारत के सिद्धांतों में ये बात शामिल नहीं है। हम राष्ट्रीय हित चाहते हैं, लोगों का हित चाहते हैं, मधुर संबंध चाहते हैं, सारे उद्देश्य पूरे करना चाहते हैं, लेकिन धोखे से, कपट से या दूसरे का नुकसान करके हम अपना राष्ट्रीय हित नहीं करना चाहते, पूरा करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम जो साधन अपनाते हैं, जो रास्ते अपनाते हैं, वो भी उचित और नैतिक ही होते हैं। गुजराल डॉक्ट्रिन, इंदर कुमार गुजराल SD देवगौड़ा की सरकार में विदेश मंत्री थे जब उन्होंने ये सिद्धांत दिया, हालांकि बाद में वो प्रधानमंत्री भी बने थे। तो गुजराल सिद्धांत ये कहता है कि हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए बिना किसी उम्मीद के। वैसे तो विदेश नीति में गिव एंड टेक की पॉलिसी होती है, बदले में वो कुछ हमारे लिए करता तो हम उसके लिए करते हैं, यानी कुछ न कुछ अपने सवार जुड़े होते हैं। लेकिन इंदर कुमार गुजराल का एक कहना था कि पड़ोसियों के साथ, क्योंकि हमारे पड़ोसी जो कई छोटे छोटे देश हैं, बहुत कमज़ोर देश हैं, तो उनसे उनका विश्वास जीतने के लिए, उनसे अच्छे संबंध बनाने के लिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए, और बदले में उनसे किसी भी चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, भारत ये चाहता है या उसके सिद्धांतों में रहा कि कोई भी विवाद हो उसका समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही किया जाना चाहिए, चाहे दुनिया में कोरिया संकट, वियतनाम संकट, अफगानिस्तान संकट, भारत ने हर एक मामले में इसी बात की पैरवी की कि विवादों का समाधान जो हो शांतिपूर्ण तरीके से हो। युद्ध तो अंतिम विकल्प के रूप में अपनाया जाता है, भारत भी इसे अंतिम विकल्प के रूप में अपनाता है। पाकिस्तान के साथ हर एक मुद्दे पर भारत हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से विवाद को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन यदि दुश्मन देश से हमला होता है या विवाद नहीं उससे ठीक होती है तो भारत फिर युद्ध भी करता है। और इस तरह से भारत ने पाकिस्तान के साथ भी और चीन के साथ भी युद्ध कर चुका है। तो ये जो उद्देश्य थे, ये सिद्धांत थे, ये हमारी विदेश नीति के सिद्धांत थे। तो विदेश नीति के उद्देश्य और सिद्धांत हमने किए हैं, इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।